सशस्त्र सीमा बल है अपना इंडिया का। और क्या बोल रहा है, सही है रास्ता ये, मतलब पहाड़ी एरिया में इस तरह से ट्रेनें की लाइनें बिछी हुई है देखो भाई, और ये नज़ारा देखने को मिल सकता है आपको। मतलब वेस्ट बंगाल भाई काफ़ी डेवलप है मेरे नज़र। ये हो गया ट्रैफिक पुलिस, ये हो गया नेपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग, अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चार्जिंग से, जो कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है इस शहर को। सो पहाड़ों की रानी कुछ इस तरह के देखने को मिल सकता है भाई, देखो ये देखो नज़ारा भाई दार्जिलिंग का। सो दार्जिलिंग वाला वीडियो आपने नहीं देखी पूरी वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ जा क्लिक करके आप देख लेना। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के साइड, सो कि यहाँ से हम लोग की राइड होगी सिलीगुड़ी तक की, नेपाल बॉर्डर तक का। तो यहाँ से हम लोग नेपाल बॉर्डर तक जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेपाल से निकलेंगे, फिर नेपाल का व्यू दिखाऊंगा। सो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल सकता है आपको दार्जिलिंग में। और हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक होती है भाई, जब भी आओ जब भी ट्रैफिक देखने को मिल सकती है। और इस होकर ट्रेन चलती है भाई, ये ट्रेन लाइन है देख लो आप, इस तरह से लाइनें जो दिख रही है ट्रेन की लाइनें हैं। इस पर यहाँ पे टूरिस्ट जो गाड़ी चलती है ट्रेन, जिस पर आप बैठ के आप पूरे इसके आसपास के नज़ारा का व्यू पॉइंट का मज़ा ले सकते हो आप। ऊपर हो गया भाई, जैसे कि देख सकते हो आप, उधर आपको घूमने वाली जगह सब है, और नीचे भी बहुत सारी जगह है जो कि पिछले वाले एपिसोड में बता दिया था सारा चीज़। अगर नहीं देखा तो उसमें देख जाकर देख लेना, जितनी भी घूमने वाली जगह सारी जगह मैं घुमा दिया उस वीडियो में। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव DHS। और ये देखो भाई मिलिट्री की गाड़ी हमेशा आती जाती रहती है, सो आई थिंक लगता है मिलिट्री वाले का बच्चे लोग हैं इसमें। सो ऐसा कुछ व्यू है दार्जिलिंग का। बारिश कभी भी हो सकती है भाई, इसलिए मैं GoPro में अभी बना शूट कर रहा हूँ वीडियो, और कोई हो सके बारिश हो जाए तो फिर नहीं शूट कर पाऊँगा भाई। और ये देखो भाई यहाँ पे डिफेंस की गाड़ी है मिलिट्री वाले का। सो ये देखो भाई रेड, इस पे आते हो ना तो आप गाड़ी को जो घुमाते हो तो थोड़ा केयरफुल करके घुमाना भाई, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रेन के जो लाइनें बिछी हुई है ना उस पर चक्का पिछलता है भाई, सीधे चढ़ाना, जैसे कि ऐसे चढ़ाता हो ना सीधे की ओर चढ़ाना भाई। और ये देखो भाई ये है भाई दार्जिलिंग। सो ऐसे पेड़ देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और यहाँ से हमको ऐसे घुमाना है भाई, नहीं तो सीधे घुमाऊँगा तो सही है, नहीं तो टेढ़ घुमाऊँगा तो दिक्कत हो सकती है। और सब टूरिज्म भाई, सब जितनी पीली प्लेट गाड़ी नंबर दिख रही है ना सब टैक्सी है भाई, सब टैक्सी है, तो बहुत सारे फॉरनर यहाँ पर आते हैं। ये देखो भाई व्यू, अभी हल्की हल्की धूप निकली है, यहाँ पर धूप निकलती नहीं है ऐसे, क्योंकि मैं दो दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर कोई धूप वूप नहीं निकल रही है भाई। यहाँ गैंगटॉक, ये उधर गया था, भूटान भी गया था, और उसके बाद चाइना बॉर्डर भी गया था, नाथुला पास भी गया था, उधर भी भाई धूप धूप नहीं निकली थी, बहुत ठंड लग रही थी भाई। सो मिलता हूँ आपको आगे। अब है गोरखा वार म्यूजियम ट्रस्ट, जो कि बंद है अभी आई थिंक, ऊपर होगा इसमें पुराना। और ये पेट्रोल पंप भाई इंडियन ऑयल, और ये वेस्ट बंगाल भाई, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है ये दार्जिलिंग। और गैंगटॉक वाला वीडियो आप नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। भूटान वाला भी नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये देखो इस वक्त ट्रेन चलती है भाई, ये देख रहे हो गिट्टी, ये लाइन बिछी हुई है ट्रेन के लिए, जो घूम है ना घूम से निकलती है सड़क, घूम की से घूम जाती है और फिर अपना रेलवे स्टेशन जो है वहाँ तक चली जाती है ट्रेन। सो ये देखो भाई हमेशा ट्रैफिक देखने को मिलेगा भाई, ये देखो भाई। भाई ये SBI का है बट ATM है कि नहीं, ATM आई थिंक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है घूम GHUM। यहीं से ट्रेन फिर वापस जाती है अपना रेलवे स्टेशन, ये भी एक रेलवे स्टेशन है और मेन रेलवे स्टेशन नीचे है जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। और ये हो गया घूम, यहाँ से ट्रेन वापस चली जाती है, यहाँ तक तो घुमाएगी आपको ट्रेन, और उसके बाद आपसे ले लीजिएगा 1000 या 1200 इसी कुछ लेता है टिकट प्राइस आई थिंक, मैं तो अभी गया नहीं उसमें बट मैं पता किया हूँ तो ऐसे बता रहा था। सो ये देखो भाई ऐसा नज़ारा मिल सकता है आपको दार्जिलिंग का, पहाड़ों की रानी।
क्या बोल रहा है? सही है रास्ता ये? क्या बोल रहा था भाई? रे क्या बोला है उसको? है? क्या बोली वो? रास्ता तो सही रास्ता है, सही रास्ता है। दार्जिलिंग का सड़क कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा भाई। ये देखो पेड़ सब क्या अच्छा लग रहा भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया। अभी धूप निकली थी थोड़ी देर पहले, धूप भी खत्म हो गई है, फिर कभी निकल जाएगी धूप। मतलब कब क्या मौसम चेंज होता है पता ही नहीं चलता, बहुत तेज़ी से मौसम चेंज होता है भाई। और ये नज़ारा देखने को मिलेगा भाई दार्जिलिंग एरिया में, जो कि देख सकते हो आप। ये पुलिस वाले सर बोले साइड देने, साइड दिए हैं उनको। ये देखो भाई यहाँ पे इजीली कोई भी आदमी है ना, अगर आपके पीछे अगर देखेगा कि भाई वो टेकअप कर रहा है, मतलब आपके पीछे आपको कर रहा है, तो आपको इजीली साइड दे देगा भाई जाओ तुम। बहुत अच्छे लोग होते हैं भाई यहाँ के, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं, जो लोकल वासी है जो, बट बाहर से जो आए हुए हैं उसका बारे में नहीं बताऊँगा। बट ये सड़क देखने को मिलेगी भाई, देखो क्या नज़ारा भाई। लग रहा है कि मतलब पहाड़ी एरिया में इस तरह से ट्रेनें की लाइनें बिछी हुई है देखो भाई। और ये नज़ारा देखने को मिल सकता है आपको। पेड़ ये देखो, ये पेड़ मेरे को बहुत पसंद है यार, अच्छा लगता है एकदम हरा भरा। देख रहे हो भाई कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये देखो भाई क्या मौसम चेंज हो रहा है यार, ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो रहा है। ये देख रहे हो भाई कोहरा कोहरा लग रहा है भाई धीरे धीरे। इधर भी बारिश होने वाली है अब, क्योंकि यहीं पे पूरे बादल है ना, इधर ही मतलब इधर से इधर होती रहती है बादल, जहाँ हुआ वहाँ बारिश हो जाती है, फिर बंद होता है, फिर बंद हो जाती है। पता नहीं क्या मौसम के साथ चल रहा है भाई, मेरे साथ मजाक चल रहा है पता नहीं। मैं पूरा भीग गया था भाई कल से लेके परसों तक, दो दिन तक मैं पूरा भीगा हुआ था भाई। फिर यहाँ पर आया, होटल लिया, फिर सुखाया, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला भाई, नहीं तो पैर में तभी भी सूजन है भाई क्या बोलो। और ये देखो भाई ट्रेन की लाइनें यहाँ तक अभी आई हुई है और आगे तक है, मैं दिखाऊंगा कहाँ तक समाप्त हो जाती है। कुछ इस तरह का व्यू है भाई दार्जिलिंग का। वाकई में भाई कहा जाता है दार्जिलिंग का इसीलिए रानी कहा जाती है कि भाई ये पहाड़ों की रानी है रियल में। क्या मौसम है भाई, मज़ा आ रहा है भाई ऐसे मौसम में, पूरे कोहरा लग गया हुआ है भाई ये मौसम में भाई गाड़ी चलाने में, और ये पहाड़ वाला एरिया में भाई मज़ा ही कुछ और है यार, मज़ा ही कुछ और है। ये देखो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। यहाँ भी कोई मंदिर है बुद्धिज्म का, जो कि कुछ इस तरह से फ्लैग लगा हुआ है, ये गेट है। यहाँ पे ना ड्रैगन का भाई बहुत सारा लोगो लगा रहेगा, हर जगह देखोगे ड्रैगन का मतलब फ़ोटो लगी रहेगी, मतलब दीवार पर हो या कोई फ्लैग पर हो। मतलब ड्रैगन का पता नहीं क्यों चाइना से, जैसे चाइना वाला लगाते हैं ना हर जगह, उस तरह से यहाँ भी लगते पहाड़ी एरिया में। मैं गैंगटॉक में भी देखा था और यहाँ भी दार्जिलिंग में भी देख रहा हूँ। और ये कुछ मार्केट है दार्जिलिंग से थोड़ी दूर आगे, यहाँ का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक क्या नाम है इस एरिया का भाई, इस एरिया का नाम मेरे को पता नहीं है यार, खोंग खीडा कुछ का नाम है, पता नहीं क्या है यार। सो इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा भाई। यहाँ भी आपको सारी दुकानें नज़र आ जाए, मिल जाएगी जो सामान अगर लेना हो, होटल लेना हो होटल भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो भाई बच्चे लोग पढ़ के आ रहे हैं, स्कूल है यहाँ पे, छुट्टी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहा है यहाँ से, इसीलिए भाई यहाँ पे ट्रैफिक लग गया हुआ है बहुत लंबा, बहुत सारा स्टूडेंट है भाई। ये स्कूल लग रहा है गवर्नमेंट की स्कूल है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इस तरह से बच्चा निकल रहा है, इधर से भी बच्चा निकल रहा है। और ये देखो भाई यहाँ पे मछली बिकती है और इस होकर ट्रेन जाती है, ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। हाँ सोनाडा नाम है भाई इसको, सोनाडा, ये रेलवे स्टेशन का नाम है सोनाडा, इस एरिया का नाम भी सोनाडा ही है, SONADA। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, नेक्स्ट लेवल भाई। ये डिस्ट्रिक्ट वो ऐसा है, वीडियो देखोगे दार्जिलिंग में एक साइड से सब्जी बिकती है और ट्रेन गुजरती है, यही रास्ता है भाई, यही जगह है जहाँ से सब्जी भी बिकती है और ट्रेन भी गुजरती है भाई, यही शहर है। ऊपर से मैं नीचे आ गया हूँ भाई, आप देखो भाई क्या व्यू लग रहा भाई नीचे की ओर। वो जो सड़क जाती है ना एक अलग चली जाती है गैंगटॉक की ओर, और उसके बाद आप वहाँ से वेस्ट बंगाल के और उधर चले जाओगे, मतलब उस रूट पे चले जाओगे, सिलीगुड़ी वाला ही रोड ही है, बट सिलीगुड़ी के लिए एक अलग भी रोड जाती है, एक अलग रोड जाती है। तो ये सड़क से मेरे को निकलना ये वाला हाईवे है भाई। यहाँ देखो भाई चेक पोस्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है
ये देखो भाई क्या व्यू है यार, फोर लाइन की तरह दिख रहा है ये। ये भाई बोलबम के है, बम्पी प्लेट गाड़ी है, जो कि बाबाधाम की यात्रा कर रहे हैं लोग, हर तीर्थ यात्रा पर जा रहे लोग विजिट करने के लिए। और ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये देखो भाई, ये मैं ऊपर से आया हूँ, वो वाला पहाड़ दिख रहा है जो। और इधर देखो भाई, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, ये मतलब हाथी वाथी इधर से मतलब क्रॉस कर सकती है, हाथी मतलब जा सकती है, आ सकती है, जो वही दिखा हुआ है मतलब ये एरिया में हाथी वाथी, बट इतनी हाथी नहीं दिखी मेरे को। ये देखो भाई आर्मी वाला बंदा, ये देखो जैन सर, लग रहा भाई फोर लाइन पर आ गया, जिस तरह से गाड़ी चल रही है अपनी स्पीड, गाड़ी बंद है भाई, गाड़ी बंद में भी इतनी स्पीड चल रही है, 80-90 की स्पीड में गाड़ी बंद है। देखो चाबी ऑफ है भाई, देखो चाबी ऑफ है ना, फिर भी इतनी स्पीड चल रही है गाड़ी, मतलब पूरे स्लोपिंग है भाई, पूरे स्लोपिंग है। और मज़ा आ रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चली, ये देखो भाई मज़े ले रहे बंदी, ये देखो भाई, ये देखो क्या नज़ारा है यार, पूरे मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल भाई। गाय भी भाई बीच में आ गई है बेचारी, चले जाओ उधर, जाओ उधर ठुक जाएगी तुम। ये देखो भाई, भाई इधर एक नेक्स्ट लेवल भाई मज़ा है भाई, अलग लेवल का मज़ा है, मतलब समतल एरिया से पहाड़ी एरिया लाख गुना एक अलग मज़ा देती है। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई क्या नज़ारा है यार, यहाँ चेक पोस्ट है, पूरे स्लोपिंग है, गाड़ी बंद करके चला रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक लगता है डिफेंस एरिया है, डब्ल्यू पी डी मतलब वेस्ट बंगाल का ट्रैफिक पुलिस का कोई मतलब वो होगा, ऑफिस ऑफिस होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था ट्रैफिक। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, अभी मौसम क्लीन हुआ यार, ऊपर तो यार इतनी तगड़ी बारिश हो जाती कभी कभी, फिर बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, पता ही नहीं चलता भाई कब मौसम चेंज होता है वहाँ पे। दार्जिलिंग आते हो तो भाई जो जो जगह मैंने बताई पिछले वाले एपिसोड में, उसमें जाना, वहाँ पे घूमना, उसके बाद थोड़े दिन टाइम स्पेंड करना, और भाई होटल में भाई अच्छे जगह से लेना भाई, ऐसा नहीं कि फ्रॉड हो जाए आपके साथ, समझ रहे भाई। ये सिक्किम प्लेट गाड़ी है भाई, 1PB सिक्किम प्लेट गाड़ी है, और बाकी बात ये सब जा रही है सब वेस्ट बंगाल गाड़ी है, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, बट एक खाली एलिफेंट नहीं दिखी यार यहाँ पे। ये देखो भाई क्या गाड़ी भाग रही है यार, स्पीड में नेक्स्ट लेवल है भाई। ये देखो भाई उधर लग रहा है भाई कोई सिटी उठी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, अलग ही नज़ारा भाई, अलग ही मजा है। ये देखो भाई ये टी गार्डन है भाई, देखो इधर ना चाय पत्ती की खेती होती है, देख लो भाई ये सब चाय पत्ती खेती, और बंदे लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बकरी चर भी रही है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है भाई आपको। यहाँ से भैया मेरे को लेना है राइट, जो कि मैं इधर से आया हूँ, और ये सड़क जाएगी अपना गरी धुरा, और उस पर कुरसोंग, ये सड़क सीधी जाएगी कुरसोंग, तो यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ ट्रैफिक पुलिस थी, कुछ इस तरह का व्यू है, और यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है मैटीगारा, नीचे की ओर इधर से जाना भाई। और ये देखो भाई मैटीगारा उधर थी, और कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, ऊपर से मैं आया हूँ भाई, अभी धूप निकली हुई है, अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अब तो भाई ठंडी नहीं लग रही, अब तो धूप लग रही है यार, गर्मी लग रही है अंदर से, पता नहीं क्यों, ऊपर का अलग ही मज़ा है यार, नीचे का अलग ही मज़ा है। ये सब डिफेंस एरिया देखो भाई, यहाँ त्रिशक्ति हेलर्स लिखा हुआ है, त्रिशक्ति हेलर्स, ये सब चाय पत्ती खेती देखो भाई, सब चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती का हब है भाई यहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल में और सिक्किम में। और देखो भाई गाड़ी की स्पीड अब पकड़ने वाली है भाई, 80-90-100 जाएगी अब तकड़ी वाली स्पीड। ये देखो भाई क्या सड़क बनी हुई है यार, टू लेन लग रही है पूरे एकदम प्रॉपर तरीका से बनी हुई है, एक लेन इधर, और गाड़ी देखो भाई कितनी रफ्तार चल रही है इस रोड पे, मज़ा आ रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो रहा है भाई, शांति है भाई पूरी शांति है एकदम, आहा क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मी भी लग रही है बट ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, मौसम भी चेंज होता रहता है हमेशा, यहाँ का एक अलग ही नज़ारा है भाई, अलग ही एडवेंचर है भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई। ये है भाई गरी धुरा बाज़ार, जो कि गरी धुरा बाज़ार कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और ये सब वेस्ट बंगाल के लोग सब यहाँ पर, अच्छा पहाड़ के लोग भी है यहाँ पे। ये देखो भाई सिलीगुड़ी की गाड़ी है भाई, जो टैक्सी में चलती है, ये देखो भाई कुछ इस तरह के बाज़ार देखने को मिलेगा भाई, ये देखो सही है भाई, बाज़ार भी बहुत डेवलप है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर क्या लिखा है मिरिक 28 किलोमीटर, और इधर से मेरे को ये देखो स्टेचू बनी हुई है यहाँ पर, हाँ इधर आ, कसैली की खेती बहुत होती है भाई इधर, कसैली का पेड़ बहुत नज़र आएगा यहाँ पे,
रहा है भाई। ऐसा व्यू तो भाई नेक्स्ट लेवल का व्यू है। दोनों साइड से पेड़ और बगल में टी की खेती, इधर भी टी की खेती और उस साइड पहाड़, और ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा भाई। मज़ा आ रहा भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार, नेक्स्ट लेवल है। मन कर रहा भाई यहीं पे घर बनाऊँ और यहीं पे शांति में रहूँ एक जगह पे, क्योंकि ये जो नेक्स्ट लेवल की जो जगह है ना भाई, मतलब पूरी शांति और सड़क भी अच्छी एकदम, मज़ा आ रहा है भाई बाइक भी चलाने में। यहाँ पे पूरी शांति एरिया यार एकदम। यहाँ पे भाई कुछ दिखने को मिला यार, ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि डिफेंस एरिया ये आदमी का कुछ का कैंप वैम्प नहीं यार, ये घर है, कैंप नहीं है भाई। ये हो गया यहाँ का लोकल वासी का घर हो गया भाई, कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। और पहाड़ी एरिया में ना भाई गाड़ी जब चलाते हो तो पूरा देख कर चलाओ, क्योंकि कहाँ से गाड़ी कट मारती है, कहाँ से निकल जाती है। मेरी 25 किलोमीटर दिखा रहा है, 25 किलोमीटर हम लोग को इस रूट से चलना है। भाई को देखो यार अलग ही जलवा है, एकदम बैग टांगा हुआ है और बिंदास गाड़ी चला रहा है। इसकी गाड़ी तो दम तोड़ दी थी चढ़ने में पहाड़ पे, जब पहाड़ पे चढ़ाई चल रहा था ना गैंगटॉक से, जब मैं आया था दार्जिलिंग की ओर जा रहा था, इसकी गाड़ी एकदम पक आवाज़ दे रही थी, एकदम लग रहा था कि भाई गाड़ी चलेगी ही नहीं, इस टाइप की गाड़ी आवाज़ दे रही थी इसकी। बट कैसा होकर के भाई, ड्राइवर बढ़िया हो भाई, गाड़ी कैसी भी हो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी कैसे चलती है। ऐसा नहीं कि गाड़ी है आपके पास मतलब बुलेट ही है बट आपके चलाने नहीं आती है, 5 नंबर गियर में आप चढ़ाओगे बाहर के तो कैसे चढ़ेगी भाई। तो यही है बंदा, गाड़ी उतनी कामयाब नहीं है चढ़ने लायक, बट ये बंदा ने चढ़ा दिया, नेक्स्ट लेवल चढ़ाया भाई। एक बंदा को और बैठा था इसमें, उसके बाद चढ़ाया, कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, मज़ा आ रहा है नेक्स्ट लेवल का भाई। ये देखो भाई इधर आते हो तो आपको कुछ ऐसा तरह के एडवेंचर करने को मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। आपके हिसाब से मैं नहीं बता सकता, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है, कैसी जगह पसंद है। मेरे को ऐसी जगह बहुत पसंद है यार, शांति हो, इधर बच्चे हमारे खेल रहे होंगे और हमारे इधर घर होंगे भाई, मज़ा आएगा बहुत, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये देखो भाई ये क्या व्यू है यार, ये सिटी की गाड़ी आई थी मुझे लग रहा है, NBSTC लिखा हुआ है। ये देखो भाई वेस्ट बंगाल, ये हो गया ट्रैफिक पुलिस, सो पूछ रहा है बंदा दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस कौन सी सड़क जाएगी, ये यही सड़क बता रही है ना ट्रैफिक पुलिस, चलो 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 ये सड़क जाएगी भाई। इंडियन ऑयल हर जगह अवेलेबल है भाई, इंडियन ऑयल तेल हर जगह। HP नहीं देखने को मिली है ना, जियो की उतनी देखने को मिली है, बट ये कंपनी की भाई हर जगह ये कंपनी अवेलेबल है भाई, हर जगह दिख जाती है इंडियन ऑयल की तेल। ये देखो जैसा व्यू है भाई, ऊपर से जो नदी आती है ना, ये पहाड़ से मैं आया था, ऐसा व्यू देखने को मिलेगा भाई। अब इसके ऊपर मेरे को चढ़ाई करनी है, खदमा यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है खदमा। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, इधर से धूप पड़ रही है ना, इसलिए ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है भाई। ये देखो भाई ये ब्रेकर है ना, 3-4 ब्रेकर एक साइड से और बहुत छोटा साइड से बनाया है ब्रेकर, और सड़क बहुत क्लीन है भाई, पूरे मेंटेनेंस में बनाया हुआ है, मतलब हल्की भी इधर उधर नहीं, पूरा रियल इंजीनियर का काम लग रहा है इसमें, लोकल इंजीनियर का कोई काम ही नहीं लग रहा है इसमें। मतलब जिस तरह से रोड प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है ना, हर जगह ब्रेकर और ये लाइनें ये पेंट की गई, हर जगह देखता हूँ भाई यूनिक तरीके से किया हुआ है। मतलब वेस्ट बंगाल भाई काफ़ी डेवलप है मेरे नज़र में। क्या हुआ बोल। यहाँ से ना सिलीगुड़ी 25 किलोमीटर है, मतलब 25 किलोमीटर सिलीगुड़ी है, और इधर कोई और जगह जाती है, मेरे को यहाँ से राइट लेना है भाई, राइट लेता हूँ। ये हर भाई एक जगह मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक बात है, हर जगह ट्रैफिक पुलिस है हर जगह भाई, यहाँ पे देखता हूँ जहाँ पे टर्न है ना, मतलब जहाँ आबादी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस सड़क पे जहाँ पे मतलब मतलब 3-4 सड़क मतलब एक जगह से मिलती है वहाँ पे हर जगह ट्रैफिक है हर जगह, और पूरे प्रॉपर तरीके से लोग डिप्टी निभा रहे हैं भाई, इधर उधर किसी को नहीं देखता हूँ, हर जगह ट्रैफिक पुलिस, मतलब जहाँ उनकी डिप्टी है वहीं पर रहते हैं। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये हो गया नछला बारी, ये मार्केट है जो कि कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। और ये देखो भाई ट्रैफिक और पोल्यूशन क्या यार नेक्स्ट लेवल है। मतलब टाउन एरिया में जब भी आता हूँ ना तो मतलब रोड की कंडीशन तो ख़राब होती होती है, उसके बाद लोगों की कंडीशन भी ख़राब नज़र आ जाती है भाई, क्या बताऊँ। ये देख रहे हो भाई कुछ इस तरह का व्यू है यार, और पीछे मैंने दिखाया था कैसा नज़ारा था यार, वो स्वर्ग था यार, ये तो स्वर्ग से भी ना गिरा हुआ स्वर्ग लग रहा भाई, जिस तरह से यहाँ पे रोड का कंडीशन देख रहा हूँ।
ये देखो भाई नक्सलाबारी कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा फुली ऑफ रोडिंग के साथ। अरे बाबा हट जाओ हट जाओ बाबा हट जाओ हट जाओ। रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ तक ट्रेन इधर से जाती आती है, ये नक्सलबारी ट्रेन रेलवे स्टेशन हो गया। और ये मार्केट भी दिखाया था नक्सलबारी मतलब मार्केट था। दो लेन इधर दो लेन उधर फोर लेन गाड़ी चलाने में भाई मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है भाई। 100 से नीचे कांटा जा ही नहीं रही है भाई, अभी 90 पे है। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, फोर लेन पर जब गाड़ी चलती है ना तो मज़ा आ जाता है भाई। जो 100 किलोमीटर में जाने में मतलब 2 घंटा लगने वाला है तो आपको मतलब आधा से 1 घंटा में भाई चले जाओगे, इतना मज़ा आ जाता है इसमें। ये जो सड़क दिख रही है यहाँ पे देखो धुल्लाबारी 009 लिखा हुआ है 9 किलोमीटर, और काठमांडू 459 किलोमीटर, और उसके बाद सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 92 किलोमीटर। थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। और ये बॉर्डर देखो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो नेपाल यहीं से एंट्री करने वाला हूँ भाई, जो कि ये सड़क जो बनी है ना मेन ट्रक के जाने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट जितना है सारा इस होकर जाता है। सशस्त्र सीमा बल है अपना इंडिया का, और ये जो आगे वाला पुल है उधर से बाइक वाइक जाती है, उस रूट से मैं जाऊँगा ऐसे भाई नेपाल एंट्री करूँगा। वो जो था मेन रोड थी वहाँ से ट्रक व्रक जा रहा था, इधर से हम लोग जा रहे हैं जो कि यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेकिंग करेंगे हम लोग को डॉक्यूमेंट आई थिंक मुझे लग रहा है। जो कि यहाँ पे इंडियन पुलिस ने हमारे बैग वैग सारा चीज़ चेक की है, और उसके बाद मैं अभी नेपाल एंट्री करने वाला हूँ। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि सशस्त्र सीमा बल यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं अपना, सारा चीज़ चेकिंग कर रहे हैं इंडिया से जाने वाले को और नेपाल से आने वाले को। ये देखो भाई ये है मेची नदी आई थिंक, सो ऐसा कुछ व्यू है भाई बॉर्डर का, जैसे कि देख सकते हो उधर से ट्रक जाता है, इधर से जो लोकल पैसेंजर है उधर से इधर से निकलते हैं, और उधर से ट्रक जितना भी ट्रक है ट्रांसपोर्ट का काम होता है उधर से होता है। तो काकरभीटा बॉर्डर कुछ इस तरह के देखने पड़ेगा, पानी टंकी काकरभीटा, उधर जाऊंगा नेपाल, इधर है इंडिया, और उससे आगे जाओगे तो उधर वेस्ट आदि बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश वाला वीडियो आपने नहीं देखा था देख लेना भाई, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, अलग नेक्स्ट लेवल है भाई नदी का व्यू। अभी हम लोग भंसार कटवाएंगे आगे जाकर, भंसार कटा के फिर नेपाल में टूर करूँगा भाई, नेपाल का व्यू दिखाऊँगा आपको। ये हो गया नेपाल, नेपाल का फ्लैग दिख रहा है वो है भाई फ्लैग नेपाल का, और नेपाल का चेक पोस्ट है यहाँ पे, और नेपाली सशस्त्र सीमा बल यहाँ पे है कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। ये प्रहरी वाले हैं, सो ऐसा व्यू देखने को मिल सकता है भाई बॉर्डर एरिया में। ये ट्रैफिक पुलिस है भाई नेपाल की। यहाँ पे भंसार कटाऊंगा फिर यहाँ से निकलूंगा। ये भंसार ऑफिस भाई, गाड़ी कहाँ पार्किंग करूँ मैं, यहीं पे पार्किंग कर दूँ क्या? अच्छा यहीं पार्किंग कर। उधर उधर भाई बोल रहा है उधर करने के लिए। भंसार कटवा लियो भाई, वो एक भंसार का है ना एक दिन का भंसार का जो लगता है रेट 200 रुपीज़ नेपाली है, जो कि 200 रुपया दिया हूँ मैंने, 200 का दो दिन का कटवाया हूँ तो 400 रुपया हुआ, तो 400 रुपीज़ में दिया उसको। और ये हो गया मनी एक्सचेंज की दुकान है, जो कि यहाँ पे मैं इंडियन पैसा दे कर नेपाली पैसा ले लिया हूँ, जो कि 1.58 के हिसाब से लगाया है इंडियन का दे कर नेपाली दिया हूँ। तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज आप करवा सकते हो, ये दुकानें मिल जाएगी भंसार ऑफिस के पास में ही नेपाल में। अब यहाँ से आगे निकलता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक बाइक चल पाएगी, जहाँ रात हो जाएगी वहीं पे स्टे कर लूँगा,
सो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा भाई नेपाल में। आगे मिलता हूँ आपसे। ये मेन रोड है जो कि 4 लेन, इंडिया उधर है, इधर नेपाल है, जो कि बगल में भंसार ऑफिस है और यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़ देख सकते हो। चिस्सा पानी 900 किलोमीटर, दमक 49 किलोमीटर। मैं सोचता हूँ दमक में जा कर रुकूँ, दमक ही सही रहेगा। और यहाँ का कुछ इस तरह का काकर भीटा का मार्केट कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा भाई। काफ़ी डेवलप है यार, बहुत डेवलप है, देख रहे हो भाई, बहुत डेवलप है भाई। मतलब नेपाल में एंट्री करते एक अलग फील आने लगता है, जैसे सिक्किम और दार्जिलिंग में था ना, उस तरह की फीलिंग नेपाल में भी आने लगता भाई। शांति एकदम अलग लेवल का भाई, मौसम मज़ा आता भाई नेपाल में भी। तो अभी काकर भीटा का कुछ इस तरह का मार्केट था, पानी टंकी, और यहाँ से निकल चुके हैं। आगे का व्यू दिखाते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा एपिसोड। दमक में जाके आपसे फिर मिलता हूँ, जो कि मैंने वहाँ से इंडिया नेपाल बॉर्डर से निकला था। और ये हो गया वीरता मोड़, यहाँ से हम लोग को ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और जाना है आगे, 30 किलोमीटर जाकर फिर हम लोग स्टे कर लेंगे, क्योंकि अभी शाम ही है, ज़्यादा रात नहीं हुई है। जहाँ ज़्यादा रात हो जाएगी वहीं पर मैं रुक जाऊँगा। बिरतापुर कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी सेंटर, कुछ मॉल है, दुकान उकानें हैं। ये देखो भाई, कुछ इस तरह की बिल्डिंग नज़र आएगी बिरतापुर में। और ये देखो भाई, ये ट्रैफिक कुछ देखने को मिल सकता भाई, क्योंकि ये चौराहा है ना, मेन चौराहा है ये, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये गाड़ी सब जा रही है भाई, देखो ये काकर भीटा से जा रहा है नेपालगंज, तो उसके बाद धनगढ़ी, और यहाँ से बहुत सारी गाड़ी जाती है, काठमांडू जाती है, पोखरा जाती है भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई। पूरी रात, पूरी दिन, पूरी रात चलती रहती है यहाँ। नेपाल का लास्ट छोर था यहाँ, जो कि हम लोग मुस्तांग भी जा चुके हैं, जो कि मुस्तांग वाला वीडियो आपने नहीं देखा था देख लेना, मेरे चैनल पर अपलोड है। और ये कुछ नेपाल का व्यू, और इधर है अपना बंदा, कुछ अलग एडवेंचर करते हुए निकल रहा है। ये मेन चौराहा ये है, जैसे कि देख सकते हैं मेन चौराहा का कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पे होटल ही होटल है भाई, बहुत सारा होटल है यार, ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मुक्ति चौक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये देखो भाई, ये जो सड़क जाएगी जो इंडिया चली जाएगी, और ये सीधे नेपाल, पूरी नेपाल घूमना है तो इधर से निकल जाओ डायरेक्ट, विराट नगर होते हुए आराम से भाई इधर पूरे नेपाल घूमो बिंदास। यहाँ सोचता हूँ कहीं चाय वाय पीऊँ भाई, थकिन हो गया, बहुत दूर से गाड़ी चलाते आ रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दमक, जो कि नेपाल के अंदर पड़ता है। दमक पहुँच चुका हूँ, इस मार्केट में मैं होटल भी ले लिया हूँ। और यहाँ पे होटल लेने के बाद खाना हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में खाने आए हैं, जो कि खाना कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट दिखता है, खाना आने वाला है। सो ये हो गया भाई रेस्टोरेंट का भी। सो ये हो गया रेस्टोरेंट भाई, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको रेस्टोरेंट। और अपना मेन्यू यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा खाना, कैसा टेस्ट है। 300 रुपीज नेपाली एक थाली खाना का प्राइस है, तो मिलता हूँ आपसे भाई। अपना खाना आ गया हुआ है, कुछ इस तरह के नेपाल में आते ही खाना का क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल हो जाता है भाई। नेपाल का खाना भाई, मुझे दुनिया कोई भी खाना खिला दो, बट नेपाल का खाना के एक अलग ही स्वाद है, जैसे कि भाई मज़ा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा खाना, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है। ऐसा खाना, ऐसा खाना अगर दार्जिलिंग में खाए थे आप? नहीं खाया ना, रेट भी ज़्यादा, और यहाँ पे कम रेट में भी अच्छा खाना है, बढ़िया खाना यार। देखो इस तरह की कुछ वैरायटी है भाई, 300 रुपीज़ में भाई नेक्स्ट लेवल खाना है भाई। ऐसा खाना मैं भाई पूरे दार्जिलिंग और सिक्किम और गैंगटॉक और मैं कहीं नहीं खाया हूँ भाई। मैं सच पूछोगे पूरे इंडिया गया हूँ, पूरी जगह नहीं खाया हूँ, जो बेस्ट यहाँ मिला है कहीं नहीं मिला है, नेपाली बेस्ट।